सीएसके वर्सेस आरसीबी के टॉप 5 मोमेंट, यानी कि वो मोमेंट्स जो कि मैच में सबसे शानदार रहे। अगर आपने मैच देखा हो या नहीं देखा हो, लेकिन ये मोमेंट मिस करने वाले नहीं थे। सबसे पहला मोमेंट मैच से शुरू होता है, कहां पे, जब एडन चेपॉक के अंदर धोनी कैप्टन नहीं एज अ प्लेयर आ रहे होते हैं। यार पूरा स्टेडियम अपने पैरों पे होता है और सबकी निगाहें होती हैं कि एक लंबे अरसे के बाद एमएस धोनी पीछे चलेंगे। लेकिन मोमेंट पता है कब बनता है? जब ऋतुराज गायकवाड इज्जत दिखाते हैं धोनी की, वो कहते हैं धोनी से कि आप आगे चलिए, तब धोनी कहते हैं नहीं, अब तुम कैप्टन हो, तुम आगे चलो। ऋतुराज गायकवाड फिर कहते हैं नहीं सर, आप आगे चलिए, आप महेंद्र सिंह धोनी हैं, मैं कैप्टन हूं, मुझे कैप्टन बनाया आपने है। लेकिन इसके बाद जब धोनी बोलते हैं तो फिर ऋतुराज गायकवाड आगे चलते हैं और उनके पीछे धोनी होते हैं। ये पहला मोमेंट था मैच का जो शायद आप लोगों ने मिस कर दिया होगा, क्योंकि दोस्त कई बार ना चीजें छोटी छोटी होती लेकिन वो बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि इस छोटे मोमेंट ने ये बता दिया कि ऋतुराज गायकवाड के दिल में इस धोनी के लिए क्या इज्जत है। मेरा गायकवाड ने वहीं पर दिल जीत लिया था। दूसरा मोमेंट कौन सा रहा? यार एक मीम देखा था मैंने सोशल मीडिया पर के दोस्त, लड़कियां होती हैं जो अपने दोस्तों से दो चार दिन नहीं मिलती तो बात नहीं होती, तो एक दूसरे के बारे में ऐसे बोलती कि शी इज नॉट माई फ्रेंड एनीमोर। दूसरी तरफ होते हैं दोस्त जो साल भर बाद भी मिलते हैं तो ऐसे गले मिलते हैं जैसे अरे अभी तो मिले ही थे। वो विराट कोहली और एमएस धोनी का हग, वो फोटो का वायरल होना, वो एक बड़ा मोमेंट बना और मैच यादगार बन गया। मैच भी यादगार बना, वो फोटो उससे भी ज्यादा यादगार बनी, क्योंकि हमने अक्सर धोनी और कोहली के मुस्कुराते हुए फोटो देखे और ये फोटो उनमें से एक था। तीसरा मोमेंट कुछ और नहीं बल्कि मुस्तफिजुर रहमान के वो 4 विकेट थे जो डेब्यू पर उन्होंने चटकाए। डेब्यू थोड़ा खास होता है, डेब्यू था सीएसके के लिए और इस सीएसके के डेब्यू को खास बनाया जब उन्होंने अपने करियर का बेस्ट ले दिया। आईपीएल में 4 विकेट उन्होंने नहीं चटकाए थे और यहां पर आकर चटकाए। भाई सीएसके के लिए डेब्यू पर शादाब जकाती ने 4 विकेट चटकाए थे, लेकिन मुस्तफिजुर ने रन थोड़े से ज्यादा दे दिए, विकेट उन्होंने चटकाए, तो सेकंड बेस्ट डेब्यू मुस्तफिजुर का रहा जो कि सीएसके की डायरीज में लिखा जाएगा और मुस्तफिजुर के सबसे मेमोरेबल पलों में लिखा जाएगा। मतलब मैच बनना मजाक नहीं होता, जब आप एक बड़े स्कोर में आते हैं उसके बावजूद आप 4 विकेट चटका देते हैं महज 2 ओवर के अंदर अंदर, तो आप बताते हो कि आप खास हो। चौथा मोमेंट है अनुज और डीके। जी हाँ, अनुज रावत और डीके 95 रन की पार्टनरशिप, 50 बॉल, आरसीबी जो लगा था कि लड़खड़ाकर निपट जाएगी, 100-110 पर फिर बह जाएगी, लेकिन 95 रनों की पार्टनरशिप होती है, अनुज रावत का 50 चूक जाता है लेकिन दिल जीत जाता है। लड़का लगातार अच्छा खेल रहा आरसीबी के लिए और फिर दावेदारी पेश कर दी कि विकेटकीपर बैट्समैन एक और तैयार। दूसरी तरफ डीके, भाई कमाल है यार डीके। डीके इसलिए कमाल है क्योंकि वो कमेंट्री कर रहे होते हैं, आईपीएल आता है कि आरसीबी के लिए जर्सी पहनते हैं और फिर अलग फॉर्म में आ जाते हैं। आज फिर जब आरसीबी की नैया डूब ने तैयार थी तो उसको पार लगाने का काम डीके और अनुज रावत ने किया। पांचवा मैच का मोमेंट, इस मैच का पांचवा मोमेंट जो है वो ये है कि दोस्त आप आरसीबी छोड़िए, सीएसके ने जहां से मैच को खत्म किया था पिछली बार वहीं से शुरू किया। आप पिछले सीजन का फाइनल याद कीजिए, एक लेफ्ट हैंडर स्ट्राइक पर होता है, छक्का लगाता है, चौका लगाता है, मैच को खत्म कर देता है और सीएसके जीत जाती है। आज भी एक लेफ्ट हैंडर स्ट्राइक पर होता है, छक्का लगाता है, चौका लगाता है, मैच को खत्म कर देता है। पिछली बार रविंद्र जडेजा थे, इस बार शिवम दुबे हैं। इस बार रविंद्र जडेजा नॉन स्ट्राइकर एंड पे थे, देख रहे थे, शायद अब एहसास हो गया होगा कि कैसा लगता है सामने से देखना जब बल्लेबाज एक छक्का एक चौका लगाकर मैच खत्म करता है, हालांकि वो फाइनल था और ये पहला मैच था। तो ये 5 मोमेंट्स मेरे रहे इस मैच के, बाकी और भी कई सारे मोमेंट्स आप कह सकते हैं। विराट कोहली का एग्रेशन वो हमें जब देखने को मिला जब कैमरन ग्रीन ने 2 विकेट चटकाए, बहुत सारी चीजें आप कह सकते हैं। एमएस धोनी का वो कैच पकड़ना और मतलब कई सारे मोमेंट्स आप कह सकते हैं ना, विकेट में थ्रो मारकर फिर आउट कर देना, एमएस धोनी के पीछे होते हुए किसी का रन लेना, अजी मजाक चल रहा है क्या। तो ये तमाम मोमेंट्स मैच में गुजरे, लेकिन मेरे टॉप 5 मोमेंट्स वही थे। आपके टॉप 5 मोमेंट क्या है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, ज्यादा तो चैनल को सब्सक्राइब करते हो जाइएगा।